फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट एक्सपीरियंस और मैं हूं भावना। तो आज का जो वीडियो है वो एक ऑनलाइन शॉपिंग का वीडियो है, बट इसमें जो है मैं होम डेकोर की चीज़ें लेके आई हूं। मैंने सोचा कि क्लोथिंग पे तो मैं बनाती रहती हूं, तो क्यों ना आज जो है एक होम डेकोर का वीडियो शेयर किया जाए। ये चीज़ें ऑलरेडी जो है 3-4 महीने से जो है मैंने अपने घर पर सजा के रखी हुई हैं, तो मैंने सोचा इनका वीडियो बनाया जाए और आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, ताकि आप लोग भी जो है अपने घर को इन चीज़ों के साथ खूबसूरत बना सकें। घर चाहे कितना भी अच्छा आप बना लो, लेकिन जब तक आप जो है उसमें जो है चीज़ें ऐड ऑन नहीं करते हो, कुछ डेकोर पीसीज, कुछ क्लासिक, कुछ स्मार्ट पीस जो है आप उसमें ऐड ऑन नहीं करते हो, आपके घर में वो बात नहीं आती है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी होम डेकोर आइटम्स हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। कुछ अमेजोन से हैं, कुछ फ्लिपकार्ट से हैं, जो भी होगा वो आपको जो है यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, कहाँ से लिया है, प्राइस क्या है और उन चीज़ों की जो है डायमेंशन क्या है, वो भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूँ। और प्रोडक्ट को मैं आपको हाथ में लेके नहीं दिखाने वाली, क्यों, मैं आपको जो है प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल बताऊंगी और प्रोडक्ट का जो है मैंने कहाँ पे वो उसको प्लेस किया हुआ है वहाँ का वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी, ताकि जिस तरीके से हम कपड़ों का ट्राई ऑन दिखाते हैं, मैं आपको जो है जहाँ पे मैंने उनको प्लेस किया है वहाँ का वीडियो आपको दिखाऊंगी, ताकि आपको जो है एक अच्छे से आइडिया लग सके कि वो रखा हुआ वो आइटम जो है वो रखी हुई वो लगाई हुई कैसी लगती है। बिना देरी के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी जो फर्स्ट आइटम है वो है ये फ्लावर पॉट। ये सेट में जो है 2 पीस आपको रिसीव होते हैं। अगर मैं इसके साइज की बात करूं तो जो भी साइज होगा वो मैं, अगर साइज मेंशन किया होगा तो मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी। अगर बात करूं मैं हाथ से तो वो ये साइज है उसका, ठीक है, पूरा साइज बता रही हूँ मैं, सिर्फ पॉट का नहीं बता रही हूँ, पॉट शायद इतना होगा, ठीक है, पूरा ये इतना साइज है उसका, ऊंचाई में बता रही हूँ कि मैं इतना साइज है उसका, और ना ज्यादा छोटा दिखता है ना ही ज्यादा बड़ा दिखता है, क्योंकि वो फैला हुआ भी है। ये प्लास्टिक का पॉट है लेकिन व्हाइट कलर में है, तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है और बिल्कुल भी हल्की प्लास्टिक नहीं लगती है। प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो प्लांट है ये नहीं कहूँगी कि 100% रियल लगता है, बट 100% फेक भी नहीं लगता, वो बहुत हद तक जो है रियल फीलिंग आती है उसको देख के, और उसकी क्वालिटी जो है प्लांट की बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, क्वालिटी अमेजिंग है, लुक अमेजिंग है। वॉशरूम में मैंने प्लेस किया अपनी वैनिटी के ऊपर, क्योंकि मेरी पूरी वैनिटी का जो कलर है वो व्हाइट है, तो उसके साथ जो है बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो कहीं भी प्लेस कर सकते हैं आप, इसको किचन में रख सकते हैं आप, इसको अपने टीवी पैनल पे रख सकते हैं आप, इसको स्टडी टेबल पे रख सकते हैं आप, अपने सेंटर टेबल पे रख सकते हैं, कहीं भी इसको लगा सकते हैं। अब हमारी सेकंड आइटम की, जो हमारी सेकंड आइटम है वो है ये। जी हाँ, ये बता रही हूँ कि जब बुद्धा की बात आती है तो एक बहुत ही पॉजिटिविटी सी आती है। जब घर में हम एज अ डेकोर आइटम बुद्धा की मूर्ति लगाते हैं या कोई जो है पेंटिंग लगाते हैं, तो एक अलग ही जो है पॉजिटिविटी आती है, बहुत ज़्यादा पर्सनली जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी सी आती है उनको देख के। मुझे होम डेकोर की चीज़ें लेनी थी, सबसे पहले जो मुझे चीज़ लेनी थी वो यही लेनी थी कि मुझे बुद्धा की कोई स्टैचू या कोई पेंटिंग कुछ इस टाइप का चाहिए था। फिर इस आइटम को देखा और मुझे पसंद आ गई। इस जो है हैंड है, हैंड के ऊपर बुद्ध जी की मूर्ति बनी हुई है। इसका साइज मैं बताऊं अगर अपने हाथ से तो जो है मेरे हाथ से हल्का सा बड़ा है। मैंने पूरे हैंड से मापने की कोशिश की तो जो है मेरे हाथ से हल्का सा बड़ा था, और चौड़ाई में तो था ही, और मोटा भी है। और यहाँ पे इस तरीके से जो है यहाँ बुद्ध जी बने हुए हैं। ये जो है एक ही मिलता है, लेकिन मुझे जो है ये टीवी पैनल के लिए चाहिए था, तो मैंने जो है 2 पीस मंगवाए थे। आपको जितने चाहिए पीस आप उस हिसाब से मंगवा सकते हो, आपको सिंगल पीस चाहिए तो आप सिंगल भी मंगवा सकते हो। मुझे अगर इसकी क्वालिटी की, इसके कलर की, तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग क्वालिटी, कलर सब कुछ इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा तड़कीला भड़कीला नहीं लगता,
कुर्तियाँ मैंने ऐसे देखी जिसमें गोल्डन कलर जो किया होता है बीच में, ब्लैक के बीच में, बहुत ज्यादा आंखों को कि ये गोल्डन कलर जो है सूट नहीं कर रहा, बट इसमें जो कॉम्बिनेशन उन्होंने दिया है ब्लैक कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा सटल है, मतलब बिल्कुल भी बेकार नहीं लगता, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये एक मूर्ति की तरह ही है तो नीचे गिरेगा तो ऑब्वियसली टूटेगा ही, उस चीज से तो आपको बचाव करना पड़ेगा। बच्चों से थोड़ा दूर रखें इसको, थोड़ा ऊंचाई पे रख दें, और बाकी जो है बहुत मस्त डेकोर पीस है ये जो है। इसको अपने टीवी पैनल पे जो है प्लेस किया हुआ है, देखिए कि ये कैसा लगता है। फ्लावर पॉट है और उसके अंदर जो है बैम्बूज हैं, जो भी नाम है इसका वो दे दूंगी स्क्रीन पे। करूँ कि ये आया कैसे था, अलग से जो है पॉट रैप हुआ था और प्लांट्स जो है वो अलग से थे। और मेरी तरह एक गलती मत करना अगर आप इसको मंगवाओ, जब मैंने निकाला मैंने पॉट निकाल लिया, और क्योंकि बहुत सारे उसमें कवर था और घास फूस भी था जो डालते हैं वो, ताकि वो कोई डैमेज ना हो, और प्लांट्स भी अलग से रैप था, तो मैंने सारा कुछ उठा के उसके बाद दोनों चीज़ें निकाल ली, उसके बाद सब इकट्ठा करके बॉक्सेस से सब हटा दिए। तो इसमें जो है दो शायद वो छोटे छोटे पाउच आएंगे इतने इतने, उसमें जो है वो इसके अंदर जो बबल्स क्या बोलते हैं उसको, पेबल्स बबल्स वो निकलते हैं, बहुत ही बारीक, मतलब सरसों के दाने से थोड़ा हल्का सा मोटा इस तरीके के होंगे वो। तो मैंने ऐसे ही फेंक दिया था, तो उसमें शायद एक बार फट भी गया था क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया कि इसमें से वो भी निकलेंगे। जब मैंने देखा कि इसमें वो कहाँ है, मुझे लगा शायद वो बड़े बड़े ही आएंगे, तो जब मैंने देखा फिर मैंने दोबारा बॉक्स खोला तो उसमें से जो है मैंने जब फाड़ा तो एक आध तो बेचारा फैल भी गया था। तो आप वो मिस्टेक मत करना, तीनों चीज़ें अच्छे से निकाल लेना, अपना पॉट भी, अपना प्लांट भी, और वो छोटे छोटे पैकेट्स भी। तो सिंपली क्या करना है, पॉट में पानी भरना है, मतलब पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, थोड़ा हाफ उसको भरना है, उसके अंदर फिर आपको जो है वो पैकेट्स फाड़ के वो छोटे छोटे जो दाने होंगे उसको डाल देना है। उसके बाद आधे एक घंटे में जो है फूल के वो अपने आप ही बड़े हो जाते हैं। फिर आप अपने प्लांट को जो है उसके अंदर रख दीजिए, और जहाँ भी आपको उसको रखना है, उसको सजाना है, आप अपने अकॉर्डिंग सजा सकते हैं। सेंटर टेबल पर रख सकते हो, आप डाइनिंग टेबल पर रख सकते हो, मैंने फिलहाल उसको डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ है क्योंकि सेंटर टेबल पर जो है मेरी बेटी भी टीवी भी देखती है, पैर वैर रखती है, तो मुझे डर लगता है कि सेंटर टेबल से जो है वो गिर सकता है, और गिरा तो फिर वो बचेगा नहीं क्योंकि वो कांच का बॉल है। और मैं इधर उधर शिफ्ट करती रहती हूँ, कभी मैं सेंटर टेबल पर भी रख देती हूँ, और फिलहाल वो जो है डाइनिंग टेबल पर है। बॉल तो उसका जो है मीडियम साइज का है और क्वालिटी कांच की अच्छी है। और बात करूँ प्लांट की, तो प्लांट भी मेरे पास ठीक ठाक कंडीशन में आया था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था कि सिर्फ डंडे डंडे थे, क्योंकि कई लोगों का मैंने देखा रिव्यूज़ कि डंडे डंडे हमें मिले ऐसे ही, सिर्फ बैम्बू बैम्बू ही थे, उसके ऊपर पत्ते नहीं थे, बट मुझे जो है बहुत अच्छी कंडीशन में मेरा प्लांट मिला था। तो अब कितना बड़ा हो गया वीडियो में आपको दिखेगा ही, इतना ही बड़ा प्लांट अच्छा लगेगा, इससे बड़ा प्लांट तो अच्छा भी नहीं लगेगा, बैम्बू का आपके रखा हुआ सजाया हुआ अच्छा भी नहीं लगेगा, और जो इसकी साइज है बिल्कुल परफेक्ट साइज है, इससे ज्यादा अच्छा भी नहीं लगेगा वो सजाने में। यही और देखिए कि ये कैसा लग रहा है। आइटम है वो है ये, इसके लिए जो है मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, मतलब वैसे तो सारी चीज़ें मेरी बहुत फेवरेट हैं, और सारी चीज़ें जब मुझे रिसीव हुई थी तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, बट ऐसी चीज़ है जो डाउटफुल लग रही थी मुझे, और जब मुझे रिसीव हुई तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये बुद्धा जी का जो पोस्टर है बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, मतलब मैंने खोला इसको, पहले तो मैंने साइज इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, डायमेंशन उन्होंने दी थी लेकिन मुझे इतना ज़्यादा डायमेंशन से आइडिया नहीं लगता कि कितना बड़ा होगा कितना नहीं होगा,
जब मैंने इसको खोला तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुई, पहले तो साइज़ देख के, और उसके बाद जो है वो एक सिंपल पेपर नहीं था कि एक सिंपल कैलेंडर होते हैं जिस हिसाब से, वैसा नहीं था एग्जैक्टली, क्या बोलते हैं उसको, वो उसका जैसे एक फैब्रिक नहीं होता उस तरीके की, आप ऐसे फाड़ने की कोशिश करोगे तो नहीं फटेगा, और उभरी हुई उसके उसके ऊपर जो बुद्धा जी की वो बनी हुई है, पेंट नहीं की गई है ना कोई प्रिंट है, वैसे उभरी हुई है उसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप हाथ से टच करोगे तो जो उसके ऊपर पत्तियां वगैरह हैं वो भी आपको फील होंगी, बुद्धा जी भी फील होंगे। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मतलब उसकी क्वालिटी देख के, उसका साइज देख के, उसकी लुक देख के, इतना रॉयल, इतना क्लासी पीस है ना, मतलब बताने मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास। आप चाहो तो उसको जो है एज इट इज़ भी लगा सकते हो, आपको फ्रेम रिसीव नहीं होगा उसमें, विदाउट फ्रेम है वो, लेकिन वो एक कागज़ का पोस्टर भी नहीं है, आप चाहो तो उसको एज इट इज़ भी लगा सकते हो, क्योंकि कई लोगों ने जो है उसको बिना फ्रेम के भी लगाया है, लेकिन फ्रेम लगाने के बाद ट्रस्ट में वो उसके लुक को जो है और ज़्यादा जो है चार चांद लग जाते हैं। जब मैंने उसको फ्रेम करवाने के लिए दिया था, जब मैं वो आया फ्रेम होके, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब मेरी बोलती बंद हो गई थी, इतना ज़्यादा मतलब अमेजिंग पीस लग रहा था वो, इतना रॉयल, इतना क्लासी पीस, मतलब जो है मुझे जो है 1100-1100 रुपये में पूरा पड़ा ये फ्रेम के साथ, मतलब फ्लिपकार्ट से मैंने परचेज किया, उसके बाद फ्रेम कराया तो मुझे टोटल जो है शायद 1100-1100 रुपये जो है टोटल लगे थे, लेकिन मैंने उस शॉप पे देखा, उस शॉप पे बहुत सारे उन्होंने बेचने के लिए भी रखे हुए थे, बहुत सारे इससे बड़े भी और इसके साइज़ के भी फ्रेम्स रखे हुए थे, फोटो फ्रेम्स, तो जैसे हॉर्सेस के होते हैं, फ्लावर्स के होते हैं, भगवान के होते हैं, तो उनके भी उनका भी रेट यही था, कोई 700-800-1000-1200, लेकिन जो रॉयलनेस इसमें है वो उस उन वहाँ पे रखे एक भी फोटो फ्रेम में नहीं थी, तो मतलब ये अलग ही, वहाँ शॉप पे रखा हुआ भी अलग ही लग रहा था, अलग ही इसकी लुक आ रही थी, अलग ही ये दिख रहा था। तो जब ये बन के आया और ये मैंने अपनी जो है वॉल पे इसको लगाया, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत 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 ज़्यादा अच्छा पीस है, चाहिए फिर मेरी दीवार पे देखिए वो कैसा लग। वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो इसको अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे जब मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लोगों के लिए लेके आती रहूं, और वैसे किसी नए वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय भोलेनाथ।